ये जरूर दादी होंगी। प्रबल, अरे सबल, अप्पू के पापा, अजी सुनते हो? उठो, चलो, दादी चिल्ला रही है, दादी चिल्ला रही है, उठो। क्या हो गया? दादी चिल्ला रही है। अरे पहले क्यों नहीं कहा? तब से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। क्या हुआ मारे छोरे ने? अरे चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ मारे बबल ने? इनकी टक्कर हो गई। हाय, किससे? ट्रक से, बस से, ट्रेन से, किससे? मुझसे। इनकी बाइक की टक्कर हो गई मुझसे, और फिर उछल के मैं सड़क के इस पार गिर गई, और ये उस पार, और फटफटी सड़क के बीच में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फटफटी बंद। अरे मारे छोरे ने क्या हुआ है? पता नहीं, टक्कर लगने के बाद मेरी तो याददाश्त हो गई। ओहो, क्या नाम है तेरा? इच्छा है। ए छोरी, जब तेरी याददाश्त नहीं है तो तुझे कैसे पता चला कि तेरा नाम इच्छा है? वो इच्छा है आपकी, जो कहना है कह लो, मुझे तो याद नहीं है। एक मिनट, छोरी यो बता पहले तेरा नाम क्या है? अरे इच्छा है, कुछ भी बोल दो। ए, एक मिनट, पहले जरा लिख लूं। अरे कोई मारे छोरे को होश में तो लाओ। हाँ हाँ, फटफटी तो फिर भी ठीक है। दादी मैं तो कह रहा हूँ पहले बबल ने होश में तो लाओ। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बबल को पहले होश में लाओ। पता नहीं किस चीज से टकरा गया हमारा छोरा, अब तक होश नहीं आया। अम्मा जी, मने तो बड़ी घबराहट हो रही से, कहीं दिमाग में चोट लगने से मेरा बच्चा सबल की तरह मंदबुद्धि ना हो जाए। सच्ची? उसकी बाहों में, लेकिन फिर भी मैं जरा किताब में देख के बताता हूँ। अरे चुप कर बेटा, तू अपने घर में है, तेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। फिर भगवान के भेजे हुए इंसान ने तारी जान बचाई है। ये भगवान का भेजा इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। एक जानबूझ के मेरे बाइक के सामने कूदी थी। लेकिन ये तो कह रही थी कि तूने टक्कर मारी थी। अरे यो भगवान का भेजा इंसान नहीं, शैतान है। अरे मैंने कोई टक्कर नहीं मारी दादी, ये अचानक बीच में आ गई। सच कह रहा हूँ, बोलो ना तुम। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ हाँ, इस बेचारी की तो याददाश्त चली गई। वो तो चलो फटफटी अच्छे से काम कर रही है, तो जैसे तो तू यहाँ पे आया है। अच्छा, तो इसे यही कैसे याद है कि मैं मोटरसाइकिल पे आया था? वो तो लोगों ने मुझे वहां पे बताया, इसीलिए। झूठ बोल रही है दादी, मैसेज नहीं। मैंने ये छोरी सही ना लागे। अरे मैंने क्या कर दिया? अम्मा, ये छोरी चोर तो ना है? हो सकता छोरी चोर है, यानी ये रात में चोरी करने जरूर आएगी, और फिर अंधेरे में बर्तनों से टकराएगी, और जब ये बर्तनों से टकराएगी तो मेरी आंख खुल जाएगी, और फिर मैं इसको पकड़ने के पीछे जाऊंगी, पर ये पलंग के नीचे से सरिया निकाल के दे मेरे सर पे मारेगी।
अम्मा जी मुझे ये छोरी खतरनाक लागे से। क्या होगा? हाय, इतना सारा दूध। पहलवानों का घर है, दूध और दही तो मिल लगा यहाँ पे। कितनी बाल्टी आती है पूरे दिन में? बाल्टी तो एक के आवे है, पर दूध कई बार आ जावे है। यहाँ पे लीटर के हिसाब से दूध ना मिलता, भैंसा के हिसाब से मिला करे। मतलब आपके घर में दूध का हिसाब भैंसे रखती है? तेरे तो वाकई सर पे चोट लाग रही है। आजा, तन आराम की जरूरत है। अच्छा, मैं आ गई हूँ इंसानी बस्ती में तेरा काम बिगाड़ने। देखना यह है कि तू रहती कहाँ है, कहाँ है वो मंदिर और कहाँ है वो पंडित। मोर से नागिन डरती है, मुझसे इंसान। कौन है तू? तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा ना, कौन है तू? अरा सच सच बताना, पप्पू को गुस्सा आता है ना, उसी तो धोबी पछाड़ लगाता है। ओ, धोबी हो इतने से? ओए, मैं इतना सा नहीं हूँ, बहुत बड़ा सा हूँ। अरे इतने से तो हो, बाकी के जमीन के अंदर हो क्या? ए, तू बता कौन है मैं? तू कैसे बताऊँ, याददाश्त गई है ना। कहाँ गई है रे? गायब हुई है। तेरी शक्ल देखकर नहीं लगता कि तू सच बोल रही है। मैं सच्ची कह रही हूँ, याददाश्त गई है, गायब हुई है। खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। जी आए। ये ले। क्या बे, घूर क्या रही है? मोमबत्ती थोड़ा हूँ जो पिघल जाऊंगा। अब यही सही तरीका है उस चोरनी को रंगे हाथों पकड़ने का। माँ, ए छोरी, कुछ याद आया? घर बार, माँ बाप का नाम? नहीं दादी जी, अब तक तो बस वही शुभ घड़ी याद आई जब बब्बल जी ने हमें टक्कर मारी और यहाँ मैं आकर आप जैसे अच्छे लोगों से मिली। अरे अशुभ घड़ी तो मेरे लिए थी, टक्कर हुई तो मेरे आंखों के सामने यमराज आ गया था। अरे वाह भाई, मुबारक हो, तू भी मारी तरह भूलने लग रहा है। पहले तो तू कह रहा था कि यो लड़की तेरे सामने आ गई, अब तू कह रहा है कि यमराज तेरे सामने आ गया। अरे चुप कर, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बबल की जान बच गई। अब वही रस्म करनी पड़ेगी। कौन सी रस्म? अरे वही रस्म करनी पड़ेगी भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ माँ, ठीक कह रही हैं आप। चंचल, ममता, घर के सारे जेवर पैसा एक पोटली में बांधकर मन्नत दे देना। आप गरीबों में बांट दे जाओगे? चैन जा, फिल्म में अमिताभ बच्चन किया करता। अरे चुप कर छोरी, चुप कर। करोड़ों के जेवर की पोटली आंगन में टांग दी, यही हमारी रसम है।
भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने मारे बबल की जान बचा दी। हाँ हाँ दादी, बबल के साथ हमारी फटफटी भी बची। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप मेरा झुमका भी ले लो। ये सब सो जाए तो मैं दूध पर हमला करूं। होगा सरदार, आप हैं क्या यहीं? छोरी आके सो जा, घड़ी रात हो गई है। छोटे मेरे विचार से पोटली वाली तरकीब काम ना करेगी। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ भैया, अगर हम गलती से सो गए तो इच्छा वहां आएगी और देवरों से रिपोर्टली वहां से ले जाएगी। अरे नाना तू समझ ना रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर हम सो गए तो इच्छा आएगी और जेवरों से भरी पोटली ले जाएगी। मैं भी यही बोल रहा हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार होता जा रहा दिन पर दिन मेरी तरह। दिन पे दिन ही नहीं भैया, रात पे रात भी। देख छोटे, मुझे तुझ पे गर्व है। भैया अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसे सुन के तो आप मुझे गले लगा लूंगे। वो जो जेवरों से भरी पोटली है ना, आप मुझे उसके साथ ऊपर बांध के टांग देना। चोरनी वहां आएगी, पोटली को खोलेगी, पोटली के अंदर देखेगी, पोटली के अंदर उसे मैं देखूंगा, मुझे देखकर वो चौंक जाएगी। ऐसे चौंकाना थोड़ी ना है, पकड़ना है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मुझे देखकर चौंक जाएगी और मैं उसको पकड़ लूंगा। और अगर ना चौंकी तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और दूसरी बात, वो इतनी बड़ी पोटली को देख के क्या सोचेगी कि ये पोटली आई कहां से है? तो उसको क्या लगता है कि हमारे पास कैसे वर कम है? मैं उसे बता दूंगा कि हमारे पास कितने पैसे हैं। अरे नाना वो बात ना है। देख मैं तुझे वहां परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। भैया इतना प्यार करते हो आप मुझसे, कभी गिना ना। एक और तरकीब है मेरे पास। क्या? जिससे हमें नींद ना आए, आज रात को माता का जगराता करा लेते हैं। माता का जगराता? और क्या, जब माता का जगराता हो गया तो हम सोवें के हैं? आज रात को भी ना सोएंगे और जब वो चोरनी आएगी वो पोटली को पकड़ने, हम उसे पकड़ लेंगे। भैया कितनी अच्छी तरकीब निकाली हो आपने। चलो भैया चल के दादी को बताते कि हम माता की तो गिरने। आप दोनों क्या कर रहे हो? हम चोरनी को पकड़ने की तरकीब सोच रहे हैं। क्या सोचा आपने? एक तरकीब सोची है कि आज रात को माता का जगराता करा देते हैं ताकि वो चोरनी जब भी उस पोटली के पास आए हम उसे पकड़ लें। हैं? कैसी लगी तरकीब? अच्छी है। अरे तेरे से ना पूछा है बबल, बता। अच्छी है भैया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? जब हम माता का जगराता करवाते हैं तो माता की मूर्ति किधर रखते हैं? सोचो। वहीं जहां हम पोटली टांगने वाले हैं। हाँ यही तो है। अगर हम पोटली वहां टांगेंगे तो माता की मूर्ति किधर रखेंगे? सही सोचा छोटे, अब क्या करें? अरे फिक्र मत करो भैया, मैं हूं ना, मैं आज दिन भर सोया हूँ, रात भर जा सकता हूँ मैं। मैं आपको जगा के रखूंगा ताकि अब उस चोरनी को पकड़ लो। सही सोचा छोटे, तू भी समझदार हो गया। आपका भाई हूँ ना, इसीलिए। बात तो सही है। बात तो सही है।
अपने लाल किताब में लिख लिया क्या करना है? चिंता ना कर भाई, किताब में सब कुछ लिख लिया है। चोर ने पकड़ के पीटना है। कैसे पीटना है तो लिखा नहीं, किताब दे मारना, कुछ तो काम आएगी आपके। चलो भाई, वो तो बता, हम यहाँ छुप क्यों रहे हैं? बाल्टी को रास्ते से हटा, गिर जाएगी। अच्छा, तू इन इंसानों को विश्वास नहीं दिला पाएगी। मैं इस परिवार के इंसानों के साथ साथ तेरे विश्वास को भी डस लूंगी। होगी है क्या? पोटली तो यहाँ है, वहां क्यों जा रही है? अरे बबल, एक बात पूछूं। हाँ? पोटली तो यहाँ है, जो वहां क्यों जा रही है? अरे अब ये ना लिख सकता मैं। आगे चोरनी, आगे खुली रखना। पकड़ लिया, चिल्लावेगी देखे दादी, दादी चोर पकड़ लिया हमने। पकड़ लिया, आज भाग रहा था बदमाश। माँ उठ उठ। खड़क तू माँ, तूने तो पूरा खड़का दिया मैंने। दादी दादी, मैंने चोर को पकड़ लिया दादी, ये रही चोर। दादी मैंने चोर पकड़ लिया, पकड़ लिया चोर, यो देखो। इंसानों को जीतने का तरीका है मेरे पास मुख्य जी। इंसान को जीतने के लिए हमें उनका दिल जीतना होगा। जब तक इच्छा ये साबित नहीं कर देती कि इंसानों का हृदय परिवर्तन संभव है, तब तक यह इंसानी बस्ती में ही रहेगी। हम इंसानी बस्ती में एक पंडित जी को जानते हैं, जो इस बात का फैसला करेंगे कि इच्छा कहाँ रहेगी। जानता हूँ मैं तुम्हें कहाँ रखवा सकता हूँ बिटिया। एक कमाल का परिवार है, पहलवान परिवार, जिसकी मुखिया है कौशल्या देवी। कौशल्या देवी के छोटे पोते बब्बल को अपना रास्ता बनाकर उस घर में कैसे भी जाना है। ये जरूर दादी होंगी।
प्रबल, अरे सबल। अप्पू के पापा, अजी सुनते हो, उठो, चलो, दादी चिल्ला रही है, उठो। क्या हो गया? दादी चिल्ला रही है। अरे पहले क्यों नहीं कहा, तब से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। क्या हुआ हमारे छोरे ने? अरे चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ हमारे बबल ने? इनकी टक्कर हो गई। हाय, किससे? ट्रक से, बस से, ट्रेन से, किससे? मुझसे। इनकी बाइक की टक्कर हो गई मुझसे, और फिर उछल के मैं सड़क के इस पार गिर गई, और ये उस पार, और फटफटी सड़क के बीच में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फटफटी बंद। अरे मारे छोरे ने क्या हुआ है? पता नहीं, टक्कर लगने के बाद मेरी तो याददाश्त हो गई। ओहो, क्या नाम है तेरा? इच्छा है। ए छोरी, जब तेरी याददाश्त नहीं है तो तुझे कैसे पता चला कि तेरा नाम इच्छा है? वो इच्छा है आपकी, जो कहना है कह लो, मुझे तो याद नहीं है। तू पहले बाल्टी को रास्ते से हटा, गिर जाएगी। पकड़ लिया, चोर 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 चोर, ताक करो। दादी मारे चोर पकड़ लिया, पकड़ लिया चोर, यो देखो। बैठ। श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन कपड़े? इसमें देख के तो मुझे सब पसंद करेंगे। ए छोरे। दादी, कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने बेवकूफ ना बना, जब तू बैग ना लाई तो ये कपड़े कहाँ से आए तेरे पास?